नमस्कार, एसएम न्यूज में आपका स्वागत है। मेरा नाम है कोमल और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज। आज हम बात कर रहे हैं मिलने वाले राशन की। दिल्ली में अक्सर जो राशन हमें मिलता है वो हमारे आर्थिक स्थिति को देखकर दिया जाता है। दिल्ली के कानून के अनुसार हमें जो राशन कार्ड मिलता है उसमें साफ साफ लिखा रहता है कि राशन कार्ड को राशन लेने के लिए आपकी सालाना आय 1 लाख से कम होनी चाहिए, लेकिन नए नियमों के अनुसार इसमें कुछ बदलाव आ गए हैं, जिसमें ये लागू हो गया है कि अकुशल लोगों की जो आय है वो प्रति माह 14,000 के करीब होनी चाहिए और अर्धकुशल लोगों की आय 16,000 के अतिरिक्त होनी चाहिए, जिसके तहत उनकी सालाना आय 1,70,000 हो जाती है अकुशल लोगों की, और जो अर्धकुशल लोग हैं उनकी सालाना आय 1,96,000 हो जाती है, जिससे वह राशन कार्ड की उस सीमा से कट जाते हैं जो वो 1 लाख के अंडर में आते थे। लेकिन इससे सबसे ज्यादा नुकसान अकुशल के लोगों को भी हो रहा है। दिल्ली के कानून के अनुसार ये बता दिया जाता है कि 1 लाख से कम आय वालों को ही राशन 2 रुपए गेहूं और 3 रुपए चावल के अकॉर्डिंग मिल दिया जाता है। इसका फायदा सभी लोग उठाते हैं, लेकिन इस नियम के अनुसार जब आय 1 लाख से ज्यादा हो जाएगी तो अर्धकुशल वाले लोगों को सबसे ज्यादा नुकसान होगा, उनके राशन कार्ड रद्द कर दिए जाएंगे। इस नियम के अनुसार जब अर्धकुशल 1 लाख से ज्यादा वाले लोगों की आय का अनुगणना की जाएगी तो उसमें से 80% राशन कार्ड रद्द होने की संभावना बताई जा रही है। वैसे तो दिल्ली में 3 तरह के राशन कार्डों को महत्व दिया गया है, जिसमें से पहले है अत्योदिता अन्य योजना, जिसे AAY, तथा दूसरे है प्राथमिकता राशन कार्ड चीनी सहित, जिसे PRS, तथा तीसरे प्राथमिकता राशन कार्ड जिन्हें RS के नाम से जाना जाता है। इस फैसले के तहत जो सबसे प्राथमिकता राशन कार्ड वाले लोग हैं उन्हें सबसे ज्यादा नुकसान होगा और उनके सभी राशन कार्ड को रद्द कर दिया जाएगा, जिसमें से कई तरह के नुकसान व राशन को कई गलत तरीकों से निकालने की भी कोशिश की जाती है। वैसे तो कई तरह के राशन कार्ड व राशन बांटने के बाद ये योजना सामने आई थी सितंबर में 2019 में कि राशन बंटने के बाद कम से कम 20 परिवारों का सर्वे किया जाएगा, जिसमें से एक न्यूज में दिखाया गया था कि 20 परिवारों को राशन के बाद उनका सर्वे किया जाएगा। साथ ही उनके सर्वे के बाद ये बताया जाएगा कि वह राशन लेने के हकदार हैं या नहीं। अगर उनकी आर्थिक स्थिति राशन कार्ड से मैच नहीं होती है तो उनका राशन कार्ड रद्द कर दिया जाएगा। वैसे तो ये फैसला विभाग का होता है, लेकिन ये फैसला आजकल राशन बांटने वाले मैनेजर्स कर रहे हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।